अब आ रही है अब आ रही है अब आ रही होगी आई थिंक है ना, अब आ रही है चलो ओके okay. देखिए ये जो हमारा टॉपिक है स्वामी सहजानंद सरस्वती बीपीसी मेंस के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है हालांकि उसके कुछ कई सारे आंकड़े आपके पीटे में भी, भी काम आते हैं स्पेशली मैं 68 की बात करूं तो अभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है अगर मान लीजिए कि ये 68 में नहीं पूछा गया तो 69 वालों के लिए तो भी, भी, आई हो जाएगा अभी तक अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे होंगे तो आप लोग स्वामी सहजानंद सरस्वती हो या जयप्रकाश नारायण हो लोहिया हो या अंबेडकर इनसे बहुत ज़्यादा प्रश्न वैसा नहीं पूछा गया है कि इन पर बहुत बेस्ड है है ना बट इन्होंने क्या किया दो साल पहले पैंसठवीं में आई थिंक या चौंसठवीं में इन्होंने तीनों से संबंधित प्रश्न एक ही में पूछ दिए क्लियर तो हमको इसके संदर्भ में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है बिहार में किसान आंदोलन को बताइए और स्वामी सहजानंद की भूमिका एक तो ये आपको से प्रश्न पूछा जा सकता है यहाँ से एक और प्रश्न पूछा जा सकता है कि सहजानंद स्वामी के जीवन परिचय को देते हुए इनके किसानों से संबंधित कार्यों की विवेचना कीजिए बताइए आ सकता है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कांग्रेस को लेकर इनका जो विवाद था वहाँ से डायरेक्ट तो नहीं आता है प्रश्न बट आलोचना में आता है तो इनके आ सकता है कि किसान आंदोलन को बताइए साथ में आलोचनात्मक टिप्पणी कीजिए ठीक है यानी आपको क्रिटिसाइज़ करना होगा इसके अलावा आपको शॉर्ट नोट्स में जैसे इस बार बीपीएससी इंट्रोड्यूस कर रहा है शॉर्ट नोट्स हालांकि पहले भी देता था ऐसा नहीं कि नहीं देता था लेकिन इस बार आपको रहेगा ही रहेगा है ना क्वेश्चन नंबर वन तो ये जो शॉर्ट नोट्स हैं उसमें ऐसे जो आपको चैप्टर हैं जैसे स्वामी सहजानंद हो गए या आपको हो गए जयप्रकाश नारायण हो गए ऐसे प्रश्न आने की पूरी संभावना है है ना चलिए तो हाँ तो आइए हम लोग थोड़ा सा देखते हैं इसलिए इस वाले पीपीटी में यानी जो हमारा क्लास है इसमें थोड़ा सा इनके जीवन परिचय को भी देते हैं क्यों क्योंकि इनका जीवन परिचय से क्वेश्चन आ सकता है फिर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम लोग यहाँ पर देखते हैं है ना तो आइए सभी लोग इस चीज़ को थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर वर्कआउट कर लेते हैं अगर इनके जीवनी की बात करें तो आपको अट्ठारह से पचास तक थे आपको एक राष्ट्रीय नेता थे स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं ठीक है कम्युनिस्टों के साथ थोड़ा सा इनका वो रहा भी है एक जीवी ये एक बुद्धिजीवी लेखक समय यह आप लोग जीवनी में लिखिएगा ठीक है इन ये आप लोग इनके जीवनी में लिखिएगा हुंकार पत्रिका इनकी काफी इंपॉर्टेंट पत्रिका है ये भी आप लोग को पीटी में भी प्रश्न आ सकता है इनका जन्म आपको कहाँ है यूपी में हुआ था और वहां पर आपको एक देखिएगा कि महाविद्यालय भी है तो ये जीवनी में आप लोग लिख सकते हैं क्लियर अब आते हैं हम लोग यहाँ पर सब पढ़िएगा मेंस वाले आप लोग मेंस नहीं दीजिएगा क्या ये इंग्लिश में है तो मैं ये शेयर कर दूंगा आप लोगों से अब देखिए इनका जन्म गाजीपुर में हुआ है है ना पढ़ाई के दौरान इनका मन अध्यात्म में लग गया था ये आपको बाल अवस्था में ही क्या क्या थे थोड़ा से विद्रोही प्रकृति के थे मतलब चीज़ों को थोड़ा सा ये क्वेश्चन पूछते थे वैराग्य भावना के देखते हुए आपको बचपन में इनका विवाह वगैरह करा दिया गया था लेकिन शुरुआती दौर में इनकी पत्नी का भी डे तो ये मैं बहुत समझा नहीं रहा हूँ चूँकि इनके जीवन है समझ लीजिएगा फिर जो समझाने वाला मैटर है हम लोग आगे उसको देखेंगे फिर ये काशी जाते हैं है ना काशी के बाद कुछ पंडितों से मिलते हैं और वहाँ पर चूंकि ये क्या थे ये आपको ब्राह्मण नहीं थे तो यहाँ पर इनके साथ यह समस्या आई थी शुरुआती दौर में अगर बात करें संघर्ष की कि कईयों का उन्होंने बताया कई ब्राह्मणों ने कि तुम ब्राह्मण नहीं हो तो तुम सन्यासी वगैरह नहीं बन सकते हो फिर भी ये बने थे है ना ये शुरुआती दौर के इनकी स्टोरी है ये आप लोग लिख लीजिएगा इसमें समझने वाली कुछ चीज़ है नहीं अब आते हैं हम लोग यहां पर जो कि आपको मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है आखिर स्वामी सहजानंद सरस्वती आखिर इतना एक्टिव क्यों हो गया बिहार में देखिए बिहार में आपको किसानों की भूमिका काफ़ी इंपॉर्टेंट रही बिहार में जो आपको जो बेस तैयार होता है ना वो आपको गांधी करते हैं आपको चंपारण आंदोलन के दौरान है ना जो बेस तैयार होता है यानी किसान आंदोलन का जो बिहार में बेस होता है ना किसान आंदोलन का जो बिहार में बेस होता है उसको क्या करते हैं उसको आपको गांधी करते हैं जब 1917 में वो क्या करते हैं चंपारण अब चंपारण आंदोलन जो होता है वहां से किसान आंदोलन का बैकग्राउंड समझिए कि तैयार हो जाता है और जब की चीजों का बैकग्राउंड तैयार होगा ना तो उसका लाभ किसको मिलता है जो उस क्षेत्र में स्पेशली कार्य कर रहा था इसके बाद आपको विद्यानंद है ना इसके बाद विद्यानंद ने आपको 1922 में भी किसके खिलाफ थोड़ा सा विद्रोह छेड़ा था तो दरभंगा के राजा खिलाफ विद्रोह छेड़ा था दरभंगा के राजा खिलाफ आपको इन्होंने विद्रोह छेड़ा था जो कि किसानों के शोषण के आपको कुछ ज्यादा इनका यहां पर यह था ठीक है तो यहां से चीजें क्या होती है शुरू होती हैं और यह आपको इफेक्ट किस पर करता है तो सहजानंद सरस्वती और यहीं से आपको सहजानंद सरस्वती का जो राजनीतिक कैरियर है यानी किसान आंदोलन हो या फिर उसके बाद की चीजों का हो वहां से आपको स्वामी सहजानंद एक्टिव आपको होना शुरू हो जाते हैं क्लियर अब यहीं पर हम लोग बात करें तो आपको 1928 में प्रांतीय किसान सभा का आपको गठन होता है किस का होता है प्रांतीय किसान सभा का गठन किया जाता है आपको 1928 में और इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं कौन तो खुद आपको स्वामी सहजानंद स्वामी सहजानंद बनाए जाते तो शुरुआती दौर में क्या मांगे थी देखो शुरुआती दौर में जो किसानों की जो मांगे थी यानी इनके पार्टी की तरफ से जो मांगे थी वहां पर बिहार के क्षेत्रों में पता है कि नहरों से बहुत क्या किया जाता है सिंचाई की जाती है तो नहर से सिंचाई की जाती है तो नहरों से सिंचाई के लिए कुछ आपको क्या लेते थे अंग्रेज माल पानी लेते थे है ना माल पानी लेते थे तो नहरों के लिए शुल्क देना कहा गया शुरुआती दौर में कि हम लोग क्या देंगे आपको नहरों पे जो आप लोग टैक्स वगैरह लेते हैं हम लोग नहीं देंगे पहला इनकी मांग इस आपको सभा की ये आपको बताना होगा एक की एग्जाम में उसके बाद शुरुआती दौर में हम लोग अगर देखेंगे तो इन्होंने कहा कि जो माल गुजारी कम देते हैं मतलब किसानों के आपको संदर्भ में वो बढ़ाइए आपके कंपनी के कई भ्रष्टाचारी हैं मतलब कि पैसा लेते हैं ज़्यादा आपको कम देते हैं तो भ्रष्टाचार से आपको उस टाइप के इनके कर्मचारी तो कहा कि वैसे कर्मचारियों को रोकिए यानी शुरुआती मांगों को देखिएगा तो इनका थोड़ा सा ब्रिटेन के अगेंस्ट चीजें आपको थी ठीक है ब्रिटेन के अगेंस्ट चीजें आपको थी उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है कि स्वामी सहजानंद जैसे ही आपको इस प्रांतीय किसान सभा का ये गठन करते हैं धीरे धीरे आपको बिहार के कई क्षेत्रों में राहुल या कृत्यानंद सिंह बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि आपको किसान आंदोलन को सपोर्ट करने लगे और एक समय आता है कि कुछ ही वर्षों में यानी 33, 34 तक 90 थर्टी फोर 34 थर्टी फोर तक बिहार में क्या यूपी के क्षेत्रों तक किसान आंदोलन बहुत तीव्र गति से फैल गया इसका लीड कौन कर रहा था इसका लीड कर रहे थे स्वामी सहजानंद सरस्वती इन्हीं के कार्य पे चल रहा था अब सोचिए कि किसान समझ जाइए कि किसान अब यहाँ पर क्या करने लगे जो अंग्रेजों के खिलाफ चीजें जा रही थी अब असली शोषण करता वहां के जमींदार थे और जरूरी नहीं है देखिएगा इस पॉइंट को रखिएगा कि यही थोड़ा सा इनका थोड़ा सा आलोचना भी करते हैं लोग कि जमींदारों को लेकर इन्होंने जो आपको कार्य किया जमींदारों के खिलाफ और जमींदार कौन थे जमींदार वहां के संभ्रांत लोग है ना जो बहुत सारे जमीन के मालिक हों और उसमें कई ऐसे लोग थे जो कांग्रेस के सदस्य थे अब सहजानंद सरस्वती सती ने क्या किया कि जब 1934 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था बंबई वाला जिसमें आपको राजेंद्र प्रसाद अध्यक्षता कर रहे थे चूंकि वो खुद बिहार पृष्ठभूमि से थे तो यहां पर क्या किया गया किसानों की मांगों को लेकर क्या किया गया मान्यता देने के प्रयास किया गया कम्युनिस्टों के साथ मेल मिलाप करने का प्रयास किया गया यानी साम्यवाद समाजवाद की चीजों को कांग्रेस से क्या किया गया मिलाने का प्रयास किया गया कि हम लोग किसी प्रकार से आपको कांग्रेस से क्या करते हैं मतलब किसानों से थोड़ा सा अटैच रह कर करते हैं क्यों क्योंकि इस समय आपको सहजानंद सरस्वती का प्रभुत्व धीरे धीरे बढ़ रहा था काफी क्लियर अब उन्नीस की बात है इसी के आपको दो यानी इनके प्रभाव के बढ़ते देखते हुए 1936 में आपको होता है किस चीज का 1936 में अखिल भारतीय किसान अब सोचो कि प्रांत से यानी राज्य से उठकर ये अखिल भारतीय बन जाते हैं और 1936 में जब अखिल भारतीय किसान सभा की आपको यहाँ पर बैठक होती है और एक पार्टी का गठन होता है जिसके अध्यक्ष खुद सहजानंद सरस्वती थे रंगा जिसके आपको महासचिव बने इसके अलावा इनमें कई सारे ऐसे सदस्य थे जो इनको हेल्प करने के लिए आपको ये थे अब यहां पर कांग्रेस के साथ एक समस्या आई समझिएगा कांग्रेस के साथ क्या समस्या आई कि कांग्रेस के कई सारे ऐसे मेंबर थे जो जमींदार थे और स्वामी सहजानंद सरस्वती उनके खिलाफ थे कहा जाता है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती का प्रभाव इतना बढ़ने लगा था कि अंग्रेजों को बाद में अरेस्ट करना पड़ा अब यहां पर इन्होंने जो मांगे रखी छत्तीस में ये आपको पता होनी चाहिए छत्तीस में जो इनकी मांगे थी वो साफ साफ एक जो था कि बकास्त भूमि की वापसी बकास्त भूमि की वापसी अब ये क्या है भाई बकास्त भूमि की वापसी ये बकास्त भूमि उस भूमि को कहते हैं जो कि आपको किसान क्या करते थे इसमें खेती करते थे किसान और जमींदार इसमें क्या करते थे आधिकारिक रूप से क्या करते थे अपना अधिकार समझ कर इससे पैसा नहीं लेते थे बल्कि फसल का भाग लेते थे फसल का भाग आपको ये ले लेते थे यानी बकास्त भूमि जमींदार कहते थे कि ये मेरा अधिकारिक क्षेत्र है है ना और इसको जो कि खेती किसान स्वयं कर रहे हैं तो किसान आपको क्या कहते थे कि ये मेरी भूमि है अब बकास्त भूमि जो है जमींदारों के हिस्से में कई सारे आती थी तो ये मांग थी कि ये हमारी जो भूमि है ये जमींदारों से हम लोग क्या करें वापस करें और ये जो इनकी मांग थी ये इनकी मांग बहुत तीव्र गति से बढ़ी थी ऐसी तीव्र गति से बढ़ी थी ये मांग कि बकास्त भूमि हम लोग मांग रहे हैं अपनी भूमि यानी अब हम लोग जो खेती करेंगे आपको कोई हिस्सा नहीं देंगे जमींदारों को कोई हिंसा जमींदार एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं बहुत हिंसक घटनाएं हुई पूरे बिहार में आपको बक्सर से लेकर आरा से लेकर दरभंगा से लेकर आपको गया वगैरह छपरा बहुत हिंसक घटनाएं हुई तोड़ा फोड़ा गया जमींदारों के क्षेत्रों को नुकसान पहुंचाया गया ये एक ऐसा डिमांड था जिसने आपको कांग्रेस को भी हिला दिया था झिंगा लाला कर दिया था कांग्रेस को भी हिला दिया था क्यों क्योंकि मैं फिर फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि कांग्रेस के कई सदस्य आपको उन जमींदारों के जमींदार थे अब यहां पर जब अरेस्ट होता है स्वामी सहजानंद स्वामी सहजानंद अभी किसके साथ चल रहे हैं कांग्रेस को लेकर चल रहे हैं क्योंकि 1936 के कांग्रेस अधिवेशन में भी बात करें तो जवाहरलाल नेहरू ने किसानों को लेकर कई सारे मुद्दों पर बात किया 1936 में इनका अपना अखिल भारतीय किसान सभा की कि आपको क्या होता है मांग होता है यानी इनका स्टेब्लिशमेंट होता है अब ये सभी जब चीजें चल रही थी इनके प्रभाव को रोकने के लिए अरेस्ट भी ये होते हैं बाद में और कहा जाता है कि मतलब कि जब अरेस्ट होते हैं तो स्वामी सहजानंद जब जेल जाते हैं ठीक है इन्होंने अपनी एक बुक में चर्चा की है स्वामी सहजानंद जी ने खुद कि मैं जब जेल गया तो वहां पर देखा कि कांग्रेस के कई सारे कार्यकर्ता जो जमींदार थे वो अपने जेल में ऐसो आराम के लिए बहुत सारा क्या कर रहे थे पुलिस का काम प्रलोभन देना ये देना तो कहा जाता है कि इनका मन उसी समय से कांग्रेस से हट गया था इनका मन उसी समय कांग्रेस से हट गया था इसके बाद इन्होंने गांधी जी जीसी मीटिंग होती है किसकी स्वामी सहजानंद सरस्वती की और गांधी जी जैसे जब मीटिंग होती है तो गांधी जी जब बिहार पहुंचते हैं वहां पर इन्होंने बताया उनसे गांधी जी से कि देखिए हमारा जो मांग है ऐसे है गांधी जी को पता था कि अगर जमींदार देखो गांधी जी क्या बात करते थे गांधी जी समन्वय नीति पर आधारित थे वर्ग समन्वय की बात करते थे गांधी जी याद होगा आप लोग को गांधी जी क्या करते थे गांधी जी कहते थे कि भाई वर्ग समन्वय होना चाहिए है ना यानी हमारा एक साथ आप को मिलकर चलना है अब जब वर्ग समन्वय होगा तो गांधी कभी जमींदारों के उस टाइप का अगेंस्ट होंगे नहीं स्वामी सहजानंद जी एकदम एंटी किसके जमींदारों के एकदम से एंटी थे अब गांधी जी को पता था कि अगर मैं यहां पर जमींदारों का पूरा एंटी हो जाऊंगा तो आपको हमारा जो है राष्ट्रीय आंदोलन वीक हो जाएगा स्वामी सहजानंद जी कह रहे हैं कि जमींदारों जो हैं आप उनसे बात कीजिए जो बकास्त भूमि है मैं वापस दिलाइए किसानों का जो लगातार शोषण हो रहा है उससे हम लोग को बचाइए तो गांधी जी कहते ठीक है एक बात करता हूं मैं दरभंगा के महाराज से बात करता वो आपका उपाय कर देंगे कहा जाता कि इसी बात से सहजानंद सरस्वती चिड़ गए ठीक है क्यों क्योंकि दरभंगा के महाराज ही सबसे बड़े शोषणकर्ता वहां पर थे इन्होंने कहा कि वह मदद उससे मांगने जाए जो सबसे बड़ा शोषणकर्ता खुद है तो उन्होंने कहा कि मैं भीख नहीं मांगूंगा और खुद ये क्या करने लगे कांग्रेस से ये हट गए और कांग्रेस से हटने के बाद थोड़ा सा कम्युनिस्टों के थोड़ा सा आपको झुकाव आया इन्होंने फिर अपना अलग तरीके से इन्होंने कार्य किया ठीक है यानी कांग्रेस इनका मोह भंग देखेगा कि खत्म हो गया था उन्नीस छत्तीस सैतीस छत्तीस के बाद कांग्रेस में मोहभंग खत्म हो गया था बकास भूमि को लेकर बहुत बवाल मचा था जमींदार इसके सपोर्ट कभी नहीं करते इसके अलावा क्या क्या मांगे थी तो इसके अलावा और भी मांगी थी आपको एक तो कि बकास भूमि वापस किया जाए एक तो आपको यह मांगे थी इसके अलावा क्या मांगे थी तो साहूकार वहां पर थे ठीक है साहूकार अब क्या होता था कि आपको उस क्षेत्र में साहूकार मतलब जो थोड़ा सा माल पानी पे क्या कहते व्याज पे आप लोग को पैसे देते थे तो वहां पर क्या था कोई भी जाकर साहूकार बन जाता था तो कहा गया कि भाई इनको लाइसेंस दीजिए सरकार को कि लाइसेंस ही होने चाहिए कोई भी आकर साहूकार नहीं बन सकता है ऐसा कुछ नहीं है कि आपको यहां पर ये आपको हो इसके अलावा इसके अलावा थर्ड मांग थी वो भी इंपॉर्टेंट मांग थी थर्ड मांग क्या थी तो तीसरी मांग इनकी यह थी कि यदि कोई भूमि ये सब पॉइंट आपको याद रखने होंगे हालांकि पीपीटी में है यदि कोई भूमि मुनाफा उतना नहीं देती है तो उस पर टैक्स कम ले या नहीं ले कोई जरूरी थोड़ी है कि सब भूमि उस प्रकार से मुनाफा देगी क्या यह जरूरी है अनिवार्य है नहीं है तो इन्होंने कहा कि यह मांग इनकी भी थी कि भाई हम लोग जो हैं सब पे नहीं देंगे है ना सिंपल सा चीज है कि हमको सब पे नहीं देंगे इसके अलावा जो आपको भूमि पर रेंट लेते थे कहा जाता था कि उसकी माफी की बात की कि भाई वो आपको माफ कीजिएगा जमींदारों के अधिकार क्षेत्र को कम करने की बात की गई यानी 1936 में जो आपको कांग्रेस ने अपना पूरा मैनिफेस्टो तैयार किया था इसके आधारित आपको यह आंदोलन पूरा बढ़ा था और यह मैनिफेस्टो किसने तैयार किया था तो खुद सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा यह तैयार किया गया था शुरुआती दौर में आप देखिएगा कि सहजानंद सरस्वती बहुत सारे यहां पर मीटिंग करते हैं इसके अलावा आपको सहजानंद सरस्वती खुद यहाँ पर क्या आप मतलब खुद यहां पर कह रहा हूं मतलब कि बिहार में ठीक है कई सारे 1935 में वो लीड करते हैं ठीक है थीके? लेकिन जो मुख्य रूप से उनका जो आपको था 1928 से लेकर जो 36 तक उन्होंने किया था वो काफी इंपॉर्टेंट है और 36 के बाद ये अखिल भारतीय रूप लेता है आपको किसान आंदोलन जो कि यूपी में भी आपको काफी एक्टिव हो जाते हैं इसके अलावा आपको एक्टिव हो जाते किसमें इसके अलावा ये अन्य क्षेत्रों में एक्टिव हो जाते हैं इंडिया लेवल पर इनकी मांगे आपको पूरी की जाती है इस प्रकार से किसान आंदोलन देखिएगा शुरुआती दौर में कि कांग्रेस के का साथ जुड़ा था छत्तीस सैंतीस के बाद ये कांग्रेस हट भी जाता है उसके बाद इंडिविजुअल ये चलते हैं थोड़ा सा कम्युनिस्टों का यहां पर सपोर्ट आपको इनका होता है और इस प्रकार से आपको इन्होंने कार्य किया था किस चीज ले को लेकर किसान आंदोलन को लेकर तो ये बताइए कि कोई इसमें समस्या है इन्होंने जब बकास्त भूमि था जिसमें गांधी जी के साथ विवाद भी हुआ था तो इनका एक प्रसिद्ध नारा था है ना ये सब पीपीटी में आपको में है कि कैसे लोग माल गुजारी लट हमारा जिंदाबाद और ये नारा बहुत फेमस हो गया कि कैसे लोगे माल गुजारी लट हमारा जिंदाबाद यानी आपको हमारे अधिकार है या हमारा देश स्वतंत्र है हम लोग लड़ेंगे आपसे हम लोग लड़ेंगे आपसे और यह बहुत फेमस नारा हुआ और पूरे बिहार में यह आपको सभी बोलने लगे यह चीज सोचिए कि जमींदारों की उस समय स्थिति कैसे आपको होने लगी थी यहां पर देखिएगा <coughs> इनके साथ एम जी रंगा आपको नंबूदीपा जी आपको कार्यानंद कार्या जी थे यमुना जी थे वामपंथी नेता थे समाजवादी नेता थे वामपंथी इसलिए जुड़े थे क्योंकि उनका ये था ही समाजवाद है ना जो रशिया से आपको इनका निकल कर आया था इसके अलावा आपको जो ये कांग्रेस किसान आंदोलन अंग्रेजी शासन खिलाफ आपको था यहां पर मैं आपको यहां पर बताता हूं एक सेकेंड जो मेन पॉइंट यहां पर हाँ। यहां पर यदि आपको किसान आंदोलन के कारण लिखिएगा तो स्वामी सहजानंद का भी एक ही लगभग वही कारण था क्या कारण था जो आपको यहां पर बोर्ड दिख रहा है तो आपको ये आंसर में फ्लो चार्ट में यूज करना होगा कि लगान की दर अधिक लेना जो इनका था भू राजस्व कृषि सुधार के प्रति ब्रिटिश शासन और जमींदारों की उदासीनता क्या थी ये था लगान वसी की जो कठोर तरीके से लिया जाता था, था उसको कम करन करना महाजनी यानी साहूकारों के खिलाफ आपको इनका था भ्रष्ट पुलिस मैंने आपको बताया था ना कि शुरुआती में इन्होंने क्या किया था जो भ्रष्ट पुलिस था यानी नहरों पर शुल्क नहीं देंगे नहरों पर शुल्क नहीं देंगे यह शुरुआत था जो भ्रष्ट पुलिस है उन पर आपको लगाम लगना चाहिए कृषि का अलवकार होना कृषि का वाणिज्यिकरण होना और आपातकाल में किसानों को छूट देना मतलब कि जो बहुत मुनाफा नहीं करती है भूमि ये सब तो ये आपको स्वामी सहजानंद जी के भी किसान आंदोलन के कारण थे और ये केवल स्वामी सहजानंद ही नहीं ये बिहार किसान आंदोलन या इंडिया लेवल पर किसान आंदोलन लगभग सबका यही था जैसे कैसे हम लोगों ने ट्राइबल मूवमेंट पढ़ा कि ट्राइबल मूवमेंट में अगर तत्कालिक इमीडिएट रीजन को छोड़ दें तो लगभग सबका रीजन लगभग एक ही था वैसा ही आपको यहाँ भी है क्लियर क्या हो गया भाई आइए अब यहां पर ध्यान रखिएगा <coughs> अब यहां पर जो है जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसकी जो पृष्ठभूमि थी वो क्या थी तो इसकी पृष्ठभूमि चंपारण कृषक आंदोलन थी और चंपारण आपको पता था कि क्या थी है ना और उसके बाद आपको 1922-23 में किसान सभा की स्थापना होती है और इसके बाद 1928 में जो है ये जो आपको डेट देख रहे हैं वो स्वामी सहजानंद जी का है क्लियर सभी लोग का इसके अलावा उन्नीस से कृषक आंदोलन की गतिविधियां काफी तीव्र हो गई थी और यह आंदोलन जो जहा आपको राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी के साथ यहां पर गठन हुआ था बिहार के नेताओं के आपको नाम भी पता होने चाहिए यहां पर ठीक है कांग्रेस का यहां पर ध्यान खींचा था 1937 के चुनाव के समय इन्होंने इस चीज को मुद्दा भी बनाया था ठीक है बकास्त भूमि की वापसी बहुत बड़ा मुद्दा था जिसने आपको कई सारे हिंसक घटनाएं की है यहां से एक क्वेश्चन आपको आता है आप देखो यही से अखिल भारतीय किसान आंदोलन यहां पर आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको यहां पर सभी पॉइंट मैंने यहां लिख दिए हैं कि भू ये इनके मैनिफेस्टो में था कि भू राजस्व में पचास की कमी की जाए ठीक है श्रमिकों के निर्वाह हेतु मजदूरी जीत दी जाए कम लाभदायक जोतों को भूमि कर यानी टैक्स नहीं दे किराया या भूमि कर को कम कर दिया जाए जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया जाए साहूकारों को लाइसेंस दिया जाए बिना लाइसेंस के साहूकार ना हो और वाणिज्यिक फसलों के लिए उचित मूल्य दिया जाए और यही था एक बकास्त भूमि की वापसी है ना बकास्त भूमि की वापसी तो ये आपको कुछ घोषणा पत्र में था और इसके बाद आपको 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के स्वामी स्वामी सहजानंद ने किसानों को भी समर्थन देने से वहां पर इनकार कर दिया था कि क्योंकि कई सारे चीजों को किसान उस तरीके से नहीं की थी उसके बाद सी आया और उसने किसान आंदोलन को लेकर यह कर दिया था इसके बाद आपको अखिल भारतीय किसान आंदोलन दो पार्टी में आपको बट गया था एक्चुअली कम्युनिस्टों ने इसका लाभ लिया था ठीक है अब आते हैं एक चीज़ की आलोचना इनकी क्या है जैसे लास्ट टाइम आपसे क्वेश्चन पूछा गया था दो साल पहले कि आपको स्वामी सहजानंद की आलोचना क्रिटिसाइज क्या है तो ध्यान रखिएगा कि स्वामी सहजानंद जी आपको जो है ब्रिटिश सरकार के साथ साथ जमींदार और जमींदारी प्रथा के भी उसी प्रकार से प्रबल विरोधी थे और जमींदारी प्रथा को इन्होंने इतना टारगेट किया था कि ब्रिटिश की जो नीतियाँ थी वहाँ से उनका झुकाव कम हो गया था यानी एक क्रिटिसाइज यहां पर यह किया जाता है कि यहां से स्वतंत्रता आंदोलन जो है थोड़ा सा क्या हुआ कमजोर हुआ था पहला ठीक है एक तो पहला इनका यह है इसके अलावा सेकेंड था उनका मूल उद्देश्य क्या था कि शोषित और पीड़ित किसानों को शोषणकारी व्यवस्था से मुक्त रखे जिस प्रकार से अंबेडकर दलितों के लिए काफी थे कि उनको भाई था कि भाई देश आजाद हो तो वैसा हो जिसमें सभी को पूर्ण स्वतंत्रता मिले क्योंकि अम्बेडकर मानते थे ना कि अगर देश स्वतंत्र है और और हमारे दलित वर्ग जो हैं स्वतंत्र नहीं हुए तो आपको गोरे की जगह क्या है भारतीय इन पर शासन करेंगे इनका भी लगभग वही कंसेप्ट था किसानों के प्रति तो इनका स्वतंत्रता आंदोलन चूंकि स्वतंत्रता सेनानी थे वहां से झुकाव कर यहां पर इनका झुकाव थोड़ा सा आपको चला गया था यही एक दो पॉइंट क्रिटिसाइज के हैं बाकी बहुत नहीं ये था एक और क्रिटिसाइज का था कि इनके आंदोलन के दौरान कई सारे हिंसक घटनाएं भी हुई थी जो अमूमन होनी नहीं चाहिए थी बिहार के क्षेत्रों में बहुत हिंसक घटनाएं हुई थी बट क्या सिर्फ इनके यही दो तीन आलोचना के द्वारा क्या सिर्फ इनके यही दो तीन आलोचना के द्वारा इनको हम लोग क्या कर सकते हैं इनकी भूमिका को नकार सकते हैं क्या तो बिल्कुल नहीं <coughs> इनकी भूमिका को हम लोग नकार नहीं सकते हैं इसीलिए आपको इनके आंदोलन योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है क्योंकि भारत के किसान आंदोलन में स्वामी सहजानंद महत्वपूर्ण भूमिका रही थी उन्होंने केवल कृषक आंदोलन को संगठित किया बल्कि किसानों को नई ऊर्जा और नई दिशा भी प्रदान की तो यह आपका एक कंप्लीट आंसर होगा ठीक है चाहे शॉर्ट नोट्स हो या लॉन्ग अब यहां पर इनके कुछ सामाजिक कार्य हो सकता है कि क्वेश्चन पूछ दे कि स्वामी सहजानंद जी के सामाजिक कार्यों को देखते हुए किसानों की भूमिका पर किए गए इनके कार्यों को बताया तो इनके सामाजिक कार्य क्या थे सामाजिक कार्य क्या, क्या कि इनका सोशल वर्क यानी जो हमारे समाज से को हुआ ये तो चलो किसान का जो मुद्दा था ये तो चलो इनका पॉलिटिकल वो था कि किसानों को किसी तरीके से शोषण से मुक्त करना था सामाजिक कार्य क्या, क्या? किए थे तो जो सामाजिक कार्य में कहा जाता है कि सबसे इन्होंने जो काम किया था वो था कि पुरोहितवाद कथावाचक में जो ब्राह्मणों का एक अधिकार था कि ब्राह्मण ही कर सकते हैं कोई कथा सुना सकते हैं या ब्राह्मण ही कोई आपको पूजा कर सकते हैं ब्राह्मण ही पुरोहित बन सकते हैं इसके खिलाफ़ ये लड़े थे यानी समाज में जो जातिगत चीज़ें आपको थीं उसके खिलाफ लड़े थे कि जरूरी नहीं है कि आप ही पुरोहित बन सकते हैं पुरोहित मैं भी बन सकता हूँ ठीक है इसके खिलाफ ये लड़े थे और इनके एकाधिकार को मोनोपोली को खत्म किया था किसके ब्राह्मणों के तो पहले तो इनका सामाजिक कार्य में सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि ये और ये इन्होंने 1915 से स्टार्ट कर दिया था यानी जब ये एक्टिव जब किसान पिजन जो आपको इनका आंदोलन था किसानों का आंदोलन था उसके पहले ही इन्होंने आपको ये कर दिया था मैंने अभी आपको शुरुआती दौर में भी बताया कि इन्होंने जो आपको यह इसलिए किया था जब ये जाते हैं सन्यासी बनने तो यहां पर इन पर कटाश किया जाता है अब वो कटाश यह था कि आप ब्राह्मण नहीं आप पुरोहित नहीं बन सकते हैं तो इसके खिलाफ आपको यह किया था है ना इसके अलावा अन्याय के खिलाफ अन्याय मतलब सामाजिक गति से यानी कहा जाता है कि इन्होंने जो आपको एक तो जातिगत विभाजन उसके खिलाफ लड़े थे अंधविश्वास के खिलाफ लड़े थे ठीक है अंधविश्वास के खिलाफ लड़ते महिलाओं के अधिकार भी ये बात करते थे कोई अन्याय वाली चीज है उस पर भी ये बात करते थे इसके लिए इन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी थी कि ब्रह्मर्षि वंश विस्तार झूठा भय मिथ्याभिमान ब्राह्मण समाज की स्थिति इस प्रकार के कई सारे इन्होंने बुक भी लिखे थे सामाजिक सुधार में ऐसा नहीं था कि ये आपको उस प्रकार से आंदोलन किए थे ऐसा नहीं था जैसे आपको गांधी ने बहुत सारे पत्र पत्रिकाएं लिखा वैसे गांधी ने बहुत उस तरीके का आंदोलन नहीं किया वैसा ही इनका भी था जो काम वर्ग जा जातिगत वर्गों के लिए अंबेडकर का रहा है, है ना वैसा वर्ग इनका नहीं रहा है लेकिन इन्होंने आपको सबसे जो बड़ा चोट किया था वह वा ब्राह्मणवाद पे किया था ब्राह्मणों के खिलाफ इन्होंने सबसे बड़ा आपको कार्य किया था तो सामाजिक कार्य आएगा तो आप इसको बता दीजिएगा कि इन्होंने ऐसा क्या क्या किया था ठीक है ये सब आपको इनके कुछ बुक्स है किसान क्या है मेरा जीवन संघर्ष इनका आत्मकथा है झारखंड के किसान इनका एक बुक है इन्होंने भूमिहार ब्राह्मण ध्यान रखिएगा इस वर्ड को इन्होंने संपादन किया था भूमिहार ब्राह्मण खुद ही थे हुंकार पटना में जनता पटना में विशाल भारत कलकत्ता में कल्याण गोरखपुर आदि में इनका प्रकाशन हुआ था ये सब आपके पीटी फैक्ट भी हैं तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है इनके शुरुआती कार्य को लेकर काफी इम्पॉर्टेंट है तो ये स्वामी सहजानंद जी के आपको कुछ संबंधित इंपॉर्टेंट चीजें थी कोई बताइए कोई समस्या है क्या आप लोग इसका आंसर लिख सकते हैं अब मान लीजिए कि इसके क्वेश्चन आ गए ठीक है इसके क्वेश्चन आगे मान लीजिए कि स्वामी सहजानंद जी पर आप जीवनी बताते तो इनके जीवनी शुरुआत क्या कर दीजिएगा थोड़ा सा जीवनी से शुरुआत कीजिएगा भाई स्वामी सहजानंद को भारतीय किसान नेता और एक स्वतंत्रता सेनानी थे है ना और इनका जन्म आपको उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हुआ था और इन्होंने बिहार में किसान आंदोलन के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी इनके कई कार्य थे जिसने आपको किसानों को ऊर्जा और ये दिया था ये तो आप स्टार्ट कर दीजिएगा इसके बाद क्या कर दीजिएगा इसके बाद आप कीजिएगा कि आपको शुरुआती दौर में इनके एक पैराग्राफ में यानी इस पैराग्राफ में इनको शुरुआती दौर को बताना था कि कैसे स्टार्ट किए समाज के खिलाफ उसके बाद आपको इनको किसान आंदोलन को बताना होगा है ना और किसान आंदोलन के कारण को बताइएगा किसान आंदोलन बताइएगा कि कहाँ से शुरुआत की हैं? बिहार में कहाँ से यह भूमिका बढ़ी थी उन्नीस में ये प्रांतीय बने थे उसके बाद इन्होंने ये मांग रखी थी कारण में बताइएगा कारण में एक फ्लो चार्ट ऐसा बना दीजिएगा कि भाई किसान आंदोलन का कारण ये था है ना अब इन्होंने उसके लिए क्या क्या कार्य किया था तो का क्या क्या कार्य में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है 1936 का अखिल भारतीय किसान आंदोलन है ना यहाँ पर 1936 का अखिल भारतीय किसान आंदोलन उसके संबंधित जो आंकड़े हैं आपको यहाँ पर बताया गया है वो आप देख लीजिएगा है ना यहाँ पर जो मैंने सब आपको यहाँ पर लिख दिया है वो आप लोग को यहां पर लिखना होगा इसके अलावा कहा गया ये इसके अलावा चीजें कैसे चली वो बताना होगा कि हिंसक घटनाएं हुई बकाश भूमि की यहां पर चर्चा कर दीजिएगा अब मान लीजिए कि क्वेश्चन में आपको आलोचना नहीं है क्वेश्चन में आपको नहीं है कि क्रिटिसाइज करना है ठीक है क्वेश्चन में नहीं है तो आपको यहां जबरदस्ती का क्रिटिसाइज नहीं करना है इस चीज को ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में अगर जीवनी पूछ रहा है और इनके किसान संबंधित कार्य पूछ रहा है बस वही बताना है किसान संबंधित कार्य में दो चीजों को यहां पर आपको फोकस रखना है एक आपको रखना है प्रांतीय किसान सभा की स्थापना ठीक है इसके अलावा आपको रखना है अखिल भारतीय किसान सभा और इसी में आपको क्या करना है प्रांतीय में बिहार में इन्होंने क्या क्या किया वो आपको बता देना है जो कि आपके इस पीपीटी में मौजूद है क्लियर बिहार से संबंधित यहां पर आंकड़े को बता देना है और अखिल भारतीय को इस दो को कीजिएगा आपका मोर देन इनफ आपके क्वेश्चन का आंसर आपको यहां पर मिल जाएगा सहजानंद सरस्वती से इसका पीपीटी मैं अभी ग्रुप में देता हूं टेलीग्राम में कोई समस्या तो ये जो आपको है ये कंप्लीट रूप से किसान आंदोलन किसने चलाया तो ये कंप्लीट रूप से किसान आंदोलन चलाते हैं आपको सहजानंद सरस्वती एनी Any... <coughs> ये सब ध्यान रखिएगा ये सब आप लोग को लिखना होगा इनके वाक्य जो फेमस फेमस आपको उस समय डायलॉग बन चुके थे लठ हमारा जिंदाबाद कैसे कैसे लोगे माल गुजारी लठ हमारा जिंदाबाद ये नारे बहुत फेमस हुए ऐसे नारे को आप लोग को वहाँ पर लिखना होगा ठीक है ये बताइए और भी कोई समस्या यहाँ पर है तो बताइए आप लोग सभी बच्चे ऐनी समस्या और तो कुछ समस्या दिख नहीं रहा है तो ये आपको स्वामी सहजानंद से संबंधित आपको ये हो गया ठीक है बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है इसीलिए हम्म So, अभी तक तो शॉर्ट्स में ही आया वैसा लॉन्ग में नहीं है लॉन्ग में भी आप लोग आएगा तो लिख सकते हैं मोर देन इनफ कंटेंट आपके पास है ठीक है मोर देन इनफ कंटेंट आपके पास है तो आप लोग लिख सकते हो वैसा कुछ नहीं है hmm? चलिए तो हम लोग इसको करते हैं आप लोग <coughs> इसी प्रकार से जयप्रकाश नारायण पढ़ा दू क्या कल कल जयप्रकाश नारायण करा देता हूँ है ना वो भी आधे घंटे पैंतीस चालीस मिनट का रहेगा जयप्रकाश नारायण भी तो आप लोग के लिए 68 वालों के लिए इंपॉर्टेंट है अगर 68 में नहीं पूछा तो 69 वालों के लिए वी 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 आई पॉइंट हो जाएगा कल आप लोग को जयप्रकाश नारायण करा देते हैं वहां से चीज़ों को उठाकर हम लोग कर लेते हैं क्लियर तो थैंक यू जुड़ने के लिए ये मेंस के पॉइंट से चीज़ें थी उसका मुझे आइडिया नहीं है जाए कि बिहार असिस्टेंट का मैं कैसे बता दूं ये बताइए तो थैंक यू मिलते हैं हम लोग कल जयप्रकाश नारायण पढ़ लेते हैं ना